एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये फॉर्म हम आप लोगों को आपके नजदीकी जो बुक डिपो होगी ना, जहाँ पे बुक्स मिलते होंगे, न्यूज़पेपर मिलते होंगे, वहां पर ये आपको आराम से मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि यह हमने कहाँ भेजना है, फॉर्म कहाँ फिल करके भेजना है। तो जो इसका विज्ञापन जो पूर्ण रूप से आएगा, जारी होगा, वो 3 तारीख को जारी होगा। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया गया था कि मतलब चरण एक और चरण दो में होंगे, मतलब दो चरणों में आप हम लोगों के फिजिकल कराए जाएंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट चरण में 6 जिले हैं, उन 6 जिलों के शायद एक ही साथ हो, या अपने अपने जिले के जो मेन मतलब कोई ना कोई सेंटर बनाया जाएगा, वहां पर भेजा जाएगा। तो आप मतलब परेशान मत होइए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप लोगों को 3 तारीख को पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप फिलहाल अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं खुद अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए गई थी। 2 साल पहले मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, बट मैं अपना वो नहीं लेके आई थी, तो मैं कॉलेज गई चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अपना TC और दूसरा CC दोनों चीजें निकलवानी पड़ेगी, तब जाके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप तहसील जाइए, तहसील में भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें अथवा में करके लिखा गया है, तो आप तहसील में भी जाके बना सकते हैं। तो तहसील में भी बन जाएगा आपका आराम से। तो तहसील में आपको मतलब 2-3 प्रोसेस है, उसमें वो करना पड़ेगा आप लोगों को, तो वो डायरेक्ट मिल जाएगा कि आपका जब हो जाएगा तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो आपका इनफ होगा, वही आप दिखा दीजिएगा जो कि तहसील में जाना पड़ता है, और तहसील वाले लिख के दे देते हैं। तो वो आपको कहाँ भेज देते हैं, थाने भेज देते हैं। थाने वाले फिर वहां पर लिख देते हैं कि इसका कैरेक्टर बिल्कुल सही है, और मोहर लगा के दे देते हैं, और फिर से हमने तहसील जाना और तहसील में जाकर वो सारे चीजें कर देना है। तो मैंने आज अपना कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं निकाला, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि जो तुम्हारी लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो लेके आओ, तो वो लास्ट ईयर की मार्कशीट में लेके नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये बना लेती हूँ, और वो कि आगे जाके वो कुछ मतलब गलतियां ना निकाले, क्योंकि आपको पता है कि भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि आजकल किसी भी चीज की भर्ती निकलती है। बच्चे बोल रहे हैं कि हम नहीं भरेंगे, हम नहीं भरेंगे, पर जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे ना, बहुत बच्चे आएंगे, चाहे जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, MSc वाले बच्चे तक ये भर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वो नहीं भर रहे, ये नहीं भर रहे, और बॉयज के लिए ये भर्ती नहीं है। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बोल रही हूँ कि ये भर्ती बॉयज के लिए नहीं है, केवल गर्ल्स के लिए, हरिद्वार के लिए नहीं है, नैनीताल के लिए नहीं है, और देहरादून के लिए नहीं है, 3 जिलों के लिए नहीं है, और 10 जिलों के लिए है। बाकी जितने बच्चे बार बार कमेंट कर रहे कि ये हमें फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बता दिया, आपके घर के पास में कोई भी बुक डिपो होगा जहाँ पर न्यूज़पेपर ये सारी चीजें मिलती होगी, वहां पर ये आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो आपको ऑनलाइन फॉर्मेट मिल जाएगा, आप किसी भी फोटो स्टेट की दुकान पर जाइए और वो पूरा प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए। फॉर्म आपने वैसे फिल करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उन्हीं के साथ पिनअप करके आपको एक लिफाफा मिलता है मार्केट में 3 या 2 रुपए में, उसमें आपको लिखा रहेगा टू और फ्रॉम करके, मतलब अपना भी अपने बारे में लिखना, और फ्रॉम करके की पूरा एड्रेस लिखना है, कहाँ पर आना है करके, वो सारी चीजें आपको भरना है और आपने वो पोस्ट कर देना है। 3 तारीख को आपको बता दिया जाएगा, या तो आपको खुद वहां जाके जमा करना है या आपको पोस्ट करना है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए 3 तारीख तक का, 3 तारीख को पता चल जाएगा। 23 तारीख लास्ट डेट है, और फिजिकल की डेट आप लोगों को पता है कि 1 सितंबर से है, जो कि चरण एक में आते हैं, मतलब जिनका जो फेज एक है जिसमें 6 जिले आते हैं, उनका 1 तारीख से फिजिकल। तो अभी आप फिजिकल पे फोकस कीजिए, इधर फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। और फॉर्म का बहुत ज्यादा डाउट आता है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बता दिया कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और मैंने आप लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र इसमें लगना ही है, तो चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप तहसील, देखिए मैं तहसील से आज बनवा के ला रही हूँ, तो वो मैं आपको मतलब उन्होंने मेरे को स्लिप दे रखी है, उन्होंने बोल रखा है कि 10 दिन बाद वो आपको मिल जाएगा। तो 10 दिन भी नहीं लगते, 7-8 दिन में मतलब आ जाता है, तो ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको, उस पर लिखा होगा और 7-8 दिन के बाद मिल जाएगा। फ्रंट में लगा दूंगी मैं ये, क्लियर तो वैसे दिखेगा नहीं, ये भी लगा सकते हैं आप थाने से, नहीं तो आप कॉलेज से, जहां पर आपकी शैक्षिक की योग्यता पूरी हो रही है वो भी। मैं तो दोनों ही लगाऊंगी, आपकी मर्जी, आप क्या लगाना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। तो कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।